राजस्थान में विधानसभा चुनाव की तारीख तय होने के बाद जयपुर कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने तैयारियां तेज कर दी हैं। कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने कहा कि मतदाताओं की सूचियों को अंतिम रूप देने के साथ ही बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं की लिस्ट तैयार की जा रही है। इस बार पत्रकारों को भी विशेष वोटिंग का अधिकार मिलेगा। मतदान दिवस से पहले वोटिंग का विकल्प मिलेगा। मतदान दिवस से पहले 3 दिन निर्धारित होंगे। पोस्टल बैलेट के जरिए फॉर्म भरवाया जाएगा। रिटर्निंग अधिकारी की तरफ से निर्धारित स्थल पर वोट दे सकेंगे। 34,000 दिव्यांगों को घर पर ही वोट देने की सुविधा भी मिलेगी। इस मौके पर जयपुर जिला कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान ने। राजस्थान में विधानसभा आम चुनाव 2023 की आचार संहिता लगने के साथ ही चुनाव तारीख का ऐलान भी हो गया है। जयपुर शहर और जयपुर ज़िले में क्या व्यवस्था रहेगी, किस तरीके से चुनाव संपन्न कराए जाएंगे, अभी किस लीक को लेकर के जिला निर्वाचन विभाग चल रहा है, हमारे साथ मौजूद हैं जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश राज पुरोहित, जिनसे हम जानेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, इस बार क्या नवाचार रहेंगे और किस तरीके से आदर्श आचार संहिता के बीच चुनाव सम्पन्न कराए जाएंगे। जी पुरोहित जी, आप बताइए कि क्या व्यवस्था रहेगी। जयपुर जिले में 19 विधानसभाएं जो पड़ती हैं उसमें 4589 टोटल बूथ्स हैं हमारे, और इसके लिए सभी पहलुओं पर तैयारी पूरी चल रही है समय अनुसार। आदर्श आचार संहिता लगी तब से ही जितने भी चाहे सरकारी दफ्तर हों या फिर सार्वजनिक स्थल हों, निजी स्थल हों, उन सब में जो भी राजनीतिक विज्ञापन होर्डिंग्स वगैरह सब लगे हुए थे वो सभी दलों ने, उड़न दस्ते, नगर निगम, नगरीय निकाय सब ने वो हटाए हैं। और एक इस बार सी विजिल पोर्टल है, सी विजिल ऐप कोई भी नागरिक भी डाउनलोड कर सकता है आम मतदाता। अगर अपन 19 विधानसभाओं में देखें तो कितनी संख्या होगी 80 वर्ष से ऊपर और नेत्रहीनों की? देखिए 1,04,000 80 वर्ष से ऊपर हमारे यहाँ पे मतदाता हैं, और उसमें से हम विकल्प भरवाएंगे। वो विकल्प कितने भर के आते हैं वो थोड़े समय में पता चल जाएगा। उनको विकल्प भरने का जो नामांकन शुरू होगा उससे 5वें दिन तक, यानी 4 नवंबर तक हम विकल्प उनसे लेंगे। 34,000 दिव्यांग हैं और 34,000 में से अगर 30,000 ये कहें कि हमें तो घर पर ही वोट डालना है तो व्यवस्था हो पाएगी उनके लिए? जी बिल्कुल, हमारे मतदान दल और ये सब ट्रेन है, हमने ट्रेनिंग में भी उनको बताया है पूरी प्रक्रिया किस तरह से होम वोटिंग की रहेगी। साथ में एसेंशियल सर्विसेज हैं निर्वाचन आयोग द्वारा तय की गई हैं, जैसे कि रोडवेज, मेडिकल कॉलेजेस और प्रेस भी है उसमें, उनको भी हम मतदान दिवस से पहले वोटिंग का विकल्प देंगे। उनसे भी हम पोस्टल बैलेट के लिए फॉर्म भराएंगे और उनको भी एक मौका देंगे कि वो मतदान दिवस से पहले 3 दिन हम निर्धारित करेंगे, वो आके रिटर्निंग अधिकारी के द्वारा निर्धारित जो भी स्थल नियुक्त किया गया उसमें जाके वो पहले ही वोटिंग दे सकते हैं, ताकि उनको पोलिंग के दिन जो उनकी एसेंशियल ड्यूटी है उसमें कोई बाधा ना हो। तो मतदाता सूचियों में गड़बड़ी का जो सिलसिला है वो थम नहीं रहा है, तो अपन ने अपने 19 विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदाता सूचियां जारी की हैं, लोगों से नाम मांगे जा रहे हैं अभी भी, उनमें जो गड़बड़ियां आ रही हैं उनकी रोकथाम के लिए क्या एक्शन प्लान है? देखिए पिछले एक वर्ष में काफ़ी अभियान चलाए गए थे, जितने भी डुप्लीकेट और मृतक नाम हैं वो काफ़ी संख्या में हटाए गए थे। लगभग इस वर्ष ही 50,000 से अधिक मृतकों के नाम हटाए गए हैं, 14,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, और साथ ही हम एक इसके बाद भी कोई ऐसा आता है तो हम एक और BLO के माध्यम से सर्वे कराएंगे कि कोई अगर एब्सेंटी वोटर उनके नाम नोट करेंगे और वो पोलिंग वाले दिन वो सूची हमारे कार्मिकों के पास रहेगी कि ये मतदाता है नहीं, यहाँ पर उपलब्ध नहीं, तो उनमें विशेष निगरानी रखी जाएगी। अगर हम जयपुर को देखें, 19 विधानसभाओं को देखें, तो करीब 34,000 दिव्यांग हैं, उन्हें पहली बार यह व्यवस्था दी जाएगी। अगर सभी ये चाहें कि हम घर पर ही मतदान करेंगे तो उनके लिए वाहन की व्यवस्था उपलब्ध रहेगी। निर्वाचन की प्रक्रिया में क्या नए बदलाव हैं, क्या नवाचार हैं? कैमरामैन संजय राजपुरोहित के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।